रहमान रहीम, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम कोहा में लाइब्रेरी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आएंगे। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल इधर क्लिक करेंगे। फिर कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में थोड़ा नीचे आएंगे, इधर है लाइब्रेरीज, इधर क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद इधर हमारे पास न्यू लाइब्रेरी का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। न्यू लाइब्रेरी को प्रेस करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आएगी जिसमें सबसे पहले है लाइब्रेरी कोड। तो ये हम वो कोड देंगे जो हम अपनी लाइब्रेरी के लिए देना चाहते हैं। तो याद रखिए, इस कोड को मतलब फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें तसल्ली से जो है ये कोड देना चाहिए ताकि फ्यूचर में इसको चेंज करने की ज़रूरत हमें पेश ना आए। लाइब्रेरी कोड, लेट सपोज मैं NCERT की लाइब्रेरी बना रहा हूँ, तो मैं NCERT ये कोड दे देता हूँ। और नीचे इधर मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में जो नेम है, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिर और इन्फॉर्मेशन इसमें देखते हैं कि थोड़ा नीचे आते हैं, इधर जहाँ जहाँ रेड कलर की वो डिस्क्रिप्शन दी गई है, इट मींस कि ये कंपल्सरी है। बाकी फील्ड में छोड़ता हूँ और इधर मैं सबमिट का बटन जो है प्रेस करता हूँ। जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस किया तो ये देखने हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट NCERT की लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये था कि लाइब्रेरी क्रिएट करने का तरीका कोहा 18.11 वर्जन में। थैंक यू।